ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 154वीं अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। परिवर्तन का आधार है दृढ़ संकल्प। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 24 मई 1972। मैं आठवीं क्लास में पढ़ता था। आठवीं क्लास में। आज सूर्यवंशी सूर्य सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई है। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबर वार कितनी कमाल कर रही है। वर्तमान समय भल कोई भी कमी वा कमजोरी है, भल कोई भी कमी वा कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली हैं और क्या से क्या बनाने वाली, क्या से क्या बनने वाली हैं और क्या से क्या बनाने वाली हैं। तो भविष्य को देख, आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी से बड़े ते बड़े रूहानी जादूगर होना, जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले, कंगाल को क्या बना देते हो? डबल ताजधारी। परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले को, एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वे कौन सा एक दृढ़ संकल्प है? जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाए, अनेक जन्मों के विस्मृति के संस्कार में बदल जाए, स्मृति में बदल जाए। वे एक संकल्प कौन सा है? है भी एक सेकंड की बात, जिससे स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का एक ही संकल्प ये धारण किया कि मैं आत्मा हूं। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। ये एक दृढ़ संकल्प कौन सा है? कि हम ही विश्व के आधार मूर्त, फिर उसके साथ उद्धार मूर्त, अर्थात विश्व कल्याणकारी। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को वा विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो, ऐसे रूहानी जादूगर हो। वे जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीजों को परिवर्तन में ला कर दिखाते, थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप रूहानी जादूगर
अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति करने कराने वाले हो, तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प हवा कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। अपने आप को भूलना ये भी भूल है ना, यह भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है वे अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो, जैसे सच्चे भगत लोग जो होते हैं वे भी दुनिया की तुलना में, जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफी दूर रहते हैं। क्यों? कारण क्या होता है? कि उनका संग न लग जाए। जो नवधा अर्थात सच्चे भगत हैं वो सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। उनको सामने रखने कारण कोई बात में भी सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा अपने इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते, तो ज्ञानी तु आत्मा सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखें तो क्या बन जाएंगे? ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं तो अपने आप से पूछो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। हमारा मर्तबा क्या है? हम सारे संसार के मालिक के बच्चे, हमारा मर्तबा हम कौन है? ईश्वरीय संतान है, गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, और सारे विश्व का कल्याण करना ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है हमारी। बहुत समय भूलने के कारण के संस्कारों को, बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्त होनी चाहिए वो कब प्राप्त करेंगे? वो कब प्राप्त करेंगे? स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्व रूपों से नष्टोमोह नहीं बने। कारण क्या है? नष्टोमोह नहीं बने हैं। नष्टोमोह हैं तो फिर भले कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करो, लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। तो पहले नष्टोमोह कहां तक हुए हैं
ये अपने आप को चेक कर, बार बार देह अभिमान में आने से ये सिद्ध करता है कि देह की ममता से परे, बार बार देह अभिमान आ जाता है, दूसरा लोग देह के भान से परे नहीं हुए। देह की ममता से परे नहीं हुए वह देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्ट मोह ना होने कारण समय और शक्तियां जो बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही हैं, उन्हों को भी नष्ट कर देते। काम में नहीं लगा सकते हो, मिलती तो सभी को है ना। जब बच्चे बने तो जो भी बाप की प्रॉपर्टी व वर्षा है उसके अधिकारी बनते हैं। तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता ही है, लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है, इसलिए बेहद बाप के बच्चे और वर्षा हद काले में, बेहद के बाप के बच्चे और वर्षा ले में हद का, तो क्या कहेंगे? बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा ले में हद का। परंतु यहाँ बाबा कहते हैं वो तुम बेहद के बच्चे और तुम वर्षा ले रहे हो हद का, तो क्या कहेंगे? बेहद मर्तबे की बजाय हद का वर्षा या मर्तबा लेना ये बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं। तो अभी भी अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बना, जो बीत गया बीत गया, अभी भी क्या बनाओ कि हमने बेहद का वर्षा बेहद के बाप से लेना है। और अधिकारी कब अधीन नहीं होता, मालिक हो अधिकारी हो वो अधीन नहीं होता है, अपनी रचना के अधीन नहीं होता। अपनी रचना के अधीन होना अर्थात इसको अधिकारी कहेंगे, बार बार विस्मृति, उसको अधिकारी कहेंगे जो अधीन हो नहीं कहेंगे। और बार बार विस्मृति में आने से अपने आप को ही कमजोर बना देते हैं, बार बार भूल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कमजोर होने के कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते। तो अब आधे कल्प के इन विस्मृति के संस्कारों को, विस्मृति के संस्कारों को क्या करो, विदाई दे दो। आज बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते हैं कि जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो, क्या चैलेंज करते हो कि विनाश में 4 वर्ष हैं, विनाश में 4 वर्ष हैं। 72 वाली 72 की मुरली है ना ये, तो क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतो प्रधान नहीं बना सकते? जैसे दुनिया को चैलेंज करते हो वैसे आप भी 4 वर्ष के लिए विस्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो। दुनिया को चैलेंज करने वाले स्वयं अपने लिए 4 वर्ष के लिए माया को चैलेंज नहीं कर सकते हो। वर्ष के लिए माया, 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते हो। अब उस टाइम जो सुन रहे होंगे
उस टाइम तो ऐसे हुआ था ना, हाँ उस टाइम से हो गया था, 4 साल मैंने बाद। अपनी प्रॉपर्टियां भी बेच दी थी। जब उन्हों को हिम्मत दिलाते हो, उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने आप को, आप में अपने प्रति अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दे सकते? तो आज से सिर्फ 4 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो कि कभी किस रूप में भी किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। किससे लड़ेंगे? माया से लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। तो 4 वर्ष के लिए कंगन नहीं बांध सकते हो, बता दो। 4 साल के लिए कंगन नहीं बांध सकते हो? जिन्हों को नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं, उन्हों को भी राखी बांध करके प्रतिज्ञा कराते हो, ठीक है? और जो बहुत काल से नॉलेज में है, संबंध और शक्ति को प्राप्त करने वाले हो, वो श्रेष्ठ आत्माएं, महावीर आत्माएं, मक्खन लग रहा है, श्रेष्ठ आत्माएं, महावीर आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, पांडव सेना, क्या ये प्रतिज्ञा की राखी नहीं बांध सकते हो? क्या अंत तक कमजोरी और कमी को अपना साथी बनाना चाहते हो? कमजोरी और कमी को अपना, आजकल साइंस द्वारा भी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर सकते, कर लेते हैं। तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरियों को भस्म नहीं कर सकते हो। वह भी सिर्फ 4 वर्ष के लिए कह रहे हैं। कितना पक्का करा रहे हैं 4 वर्ष? मतलब 4 वर्ष की प्रतिज्ञा सहज है वा मुश्किल है? औरों को तो बड़े फोर्स फलक से ये पॉइंट देते हो, तो जैसे औरों को फलक और फखर से कहते हो, वैसे अपने आप में भी विजयी बनने की फलक और फखर नहीं रख सकते हो। तो आज से कमजोरियों को कम से कम 4 वर्ष के लिए तो विदाई दे दो। 4 वर्ष आपके लिए कितने हैं सोच? 4 वर्ष क्या है आपके लिए? 4 सेकंड। तो वो जो 1 साल के लिए आत्मय परंतम जाएंगी वो कितना होगा? सारी आत्माएं 1 साल के लिए परम धाम जाएंगी वो कितने देर का होगा? वो तो प्रैक्टिकल में 1 सेकंड का होगा। ये तो दुख की दुनिया में जो दुख में है उसका तो 1-1 सेकंड 1-1 साल के बराबर जाएगा। दुख का टाइम तो काटे नहीं करता दुखी दुनिया। केवल वही इस दुख से बाहर निकल पाएंगे ना जो उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। और जो दुखी हैं या दुख को चिपका रखा है उन्होंने, कर्म कूट रहे हैं लगातार, उनके लिए तो 1-1 सेकंड 1-1 साल के बराबर गुजर रहा होगा। अभी यहां हो, अभी अभी वहां हो, अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्ता रूप, इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई नहीं दे रही क्या? जब समय इतना नजदीक है तो संपूर्ण स्थिति भी तो नजदीक है। इससे भी पुरुषार्थ में भले
भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है, जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बातें भूल जाते। ये जो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट व छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हो, उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ अपनी प्राप्ति को रखो, तो क्या होगा? आलस्य व थकावट मिट जाएगी, आलस्य व थकावट मिट जाएगी। जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बना, और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। अच्छा, ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण स्वरूप को और बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को नमस्ते। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।